मुंगेली के एकमात्र 100 साल पुराने अंग्रेज शासन काल में निर्मित गिरजाघर में मसीही समाज के लोगों ने क्रिसमस की विशेष आराधना की गई। इस अवसर पर स्थानीय चर्च में आकर्षक सजावट देखने को मिली, जहां आराधना में प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया गया। साथ ही देश व विश्व में शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। वही आराधना समाप्ति के पश्चात सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। बता दें कि मुंगेली में मसीही समाज द्वारा क्रिसमस त्योहार को लेकर पूरे दिसंबर माह भर प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कैरोल सिंगिंग में इस वर्ष बड़ी संख्या में मसीही लोगों ने भाग लिया, जहां मसीही गीतों पर युवा व बच्चे जमकर थिरकते नजर आए। आराधना के पश्चात खेलकूद, गिफ्ट शेयर व रैली, झांकी, ड्रामा, नृत्य, गीत आदि कार्यक्रम भी लगातार जारी है। सबसे पहले तो सभी को मैरी क्रिसमस। आज के दिन हम लोगों ने बहुत मस्ती की है और हम कर भी रहे हैं। बहुत ही धूमधाम से हम बना रहे हैं हमारे क्रिसमस को। हम चर्च गए, वहाँ पे प्रेयर हुआ, सॉन्ग्स हुआ और यहाँ पे विशेष करके प्रार्थना की गई जो लोग अनाथ हैं, जो गरीब हैं और हमारे देश की तरक्की के लिए भी। हम लोग धूमधाम से बना रहे हैं इसको। सारे पकवान बने हैं अच्छे अच्छे, केक काटा गया है और हम लोग मिठाई खा रहे हैं, चॉकलेट्स बट रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे यहाँ ये जो प्रोग्राम होता है ये एक हफ्ते तक चलता आता है और चलते रहता है और हम बहुत मस्ती करते हैं। सेलिब्रेशन आज हम मना रहे हैं और ये कार्यक्रम जो है वो 1 मंथ पहले से शुरू हो जाता है और आज यहाँ पर सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर गरीब अनाथों के लिए बहुत मतलब विशेष कर प्रार्थना की गई है और यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सो वेरी मैरी क्रिसमस। को मैरी क्रिसमस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, इसलिए हम जोर शोर से इस त्यौहार को मनाते हैं और ये हमारा एकमात्र ही बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसलिए हम इस जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इसमें हम अपने देश के नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लोगों के लिए और ये जो कोरोना आया था ये सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसे दिन फिर से मत दिखाना और हम सबको बचा के रखना, हमारे देश में शांति रखना और हमारे देश के राजा को अच्छे से रखना ताकि हमारा देश अच्छे से चल सके। सबको मैरी क्रिसमस। क्रिसमस हमें हर वर्ष परमेश्वर के उस प्रेम का स्मरण कराता है जो स्वयं सृष्टिकर्ता प्रभु जो है अपने पुत्र के रूप में यीशु मसीह के रूप में इस संसार में देहधारी हुए और अपने प्रेम का परिचय दिया, अपने सत्यता का परिचय दिया, अपने हमारे साथ होने का परिचय दिया, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने का हमें भरोसा दिया, हमारे जीवन के उस ज्योति को प्रज्वलित किया जो हमारे जीवन के लिए हमें आवश्यक जान पड़ा, हमें इस बात का भरोसा दिया कि हम इस संसार में डरे ना लेकिन अपने प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें कि वो इमानुएल के रूप में हमारे साथ है और सर्वदा हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। और यही संदेश हम प्रतिवर्ष अपने लोगों को देते हैं भिन्न भिन्न प्रचारकों के माध्यम से, जो अपने परमेश्वर की उस गवाही को जो उनके जीवन में परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से देता है, यीशु मसीह के माध्यम से, उसको हम समर्पित कर आज की हमारी आराधना जो है विशेष तौर से प्रभु में उनके जन्म के आनंद के साथ हमने उसको आरंभ और अंत किया, समापन किया। आज के हमारे आराधना के संचालक हमारे सचिव महोदय भाई संदीप लाल भी थे, जिनका कुशल नेतृत्व हमने प्राप्त किया और हमारे कलिसिया में इसके बाद प्रीतिभोज की भी व्यवस्था की जाती है प्रतिवर्ष कि प्रीतिभोज जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं, जिसमें एक प्रेम भोज होता है और हम अपने लोगों के साथ क्रिसमस के आनंद को इस भोजन वस्तु के साथ, भोजन के साथ उसकी सहभाग्यता के साथ समर्पित करते हैं। इस प्रकार आकर्षक मौसमी कार्यक्रम होते हैं, हमारे बच्चों के लिए खेल कूद का भी कार्यक्रम रखा जाता है प्रतिवर्ष और इस वर्ष भी हमने 2 बजे उनके लिए कार्यक्रम रखा है ताकि वो बच्चे भी क्रिसमस के आनंद को खेल कूद के माध्यम से भी समर्पित करें और इस प्रकार हम प्रभु में एक गवाही के जीवन को दे सके कि हमारा यीशु मसीह आज जन्म लिया है, इसके लिए हमारी खुशी है, खुश है, आनंदित। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।